Hello children, today our topic is simple harmonic motion of the simple pendulum. What is simple pendulum? It is the ideal case when a point mass is suspended by the thread. Thread bhi mass less hona chahiye aur inextensible, or point mass is suspended from it and it is oscillating under gravity. That is simple pendulum. This is the ideal case. Okay? Maan lijiye, it is inextensible thread. Ye point mass, iski length maan lijiye L. Acceleration due to gravity is G. अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं इधर बाय द एंगल थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो इसकी जो मोशन होगी वो एंगुलर एसएसएम होगी और अप्रोक्सीमेटली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगी. फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर. मान लीजिए एक तो वेट एक्ट करेगा और इधर टेंशन. मान लीजिए पॉइंट इज ओ पॉइंट. अबाउट द पॉइंट ओ टॉर्क विल एक्ट. कितना टॉर्क लगेगा ओ के अबाउट? निकालो बच्चों जरा टॉर्क. फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ये है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज ओ. यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा, दैट विल बी, दैट इज एल साइन थीटा. सो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू फोर्स इज एम जी इन टू एल साइन थीटा. ये टॉर्क आया. Theta is very small, you can write it. You can write it mg into L into theta radian. In this case, torque isko clockwise turn karega. Theta kidhar hai? Anti clockwise. To both are in opposite direction. Aap isko aise le sakte hain. Torque about O is, अगर मैं डायरेक्शन को भी इंक्लूड करूं तो बच्चों ये आएगा माइनस एम जी एल इंटू थीटा. क्लियर? सो क्लियरली इट इज एंगुलर एसएचएम. टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन. क्लियर? तो एंगुलर एसएचएम हो गई. और टाइम पीरियड यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, कंपेयर करेंगे टॉर्क इक्वल टू माइनस के थीटा. के की वैल्यू आएगी एम जी एल, के इक्वल टू एम जी एल और टाइम पीरियड विल बी टू पाई रूट ऑफ आई ओवर के, आई ओवर के एंगुलर एसएचएम. लीनियर एसएचएम में क्या आता है? टी इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम ओवर के. एम की जगह क्या आ गया? आई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. दैट विल बी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आई. आई कितना आएगा बच्चों? इधर देखो, पॉइंट मास हो गया, एम एल स्क्वायर आ जाएगा. ये दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई के. के कितना है देखिए ध्यान से, एम जी एल. इफ यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एल ओवर जी. सो इट इज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल. क्लियर? मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं, एंगुलर इन प्लेस ऑफ एंगुलर एसएचएम इट इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर सिंपल हार्मोनिक. कैसे? देखिए, अगर मैं एम जी को रिजॉल्व करूं
तो इधर आएगा कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, और ऐसे कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, और मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, ये थोड़ा आर्क होगा सर्कल का। व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल आई कैन टेक दिस आर्क एज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो जो एम जी साइन थीटा है ये इसको वापस ला रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। ओके, एंड थीटा इज वेरी स्मॉल, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज एम जी इंटू थीटा। तो रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा बच्चों इधर एम जी इंटू थीटा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज रेडियंस, आर्क ओवर रेडियस, आर कितना है इधर एक्स ओवर एल, क्लियर। ओके, ये रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है। अगर मैं इसका साइन भी कंसिडर करूं सो एफ विल बी इक्वल टू माइनस एम जी ओवर एल इंटू एक्स, सो क्लियरली एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो कैसी मोशन हो गई, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये इट इज अप्रोक्सीमेटली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑल्सो। तो अगर आप कंपेयर करोगे इसको एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से, तो बच्चों के क्या आएगा यहां पर देखिए ध्यान से, के की वैल्यू आएगी एम जी ओवर एल। तो फिर देखिए टाइम पीरियड कितना बताया था मैंने आपको लीनियर एसएचएम में, कितना बताया था टाइम पीरियड, गुड, टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम ओवर के, के की वैल्यू ये रख दीजिए आप, वेरी गुड, दैट इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ एम ओवर के, के इज एम जी ओवर एल, ये कैंसिल, सो टाइम पीरियड विल बी टू पाई रूट ऑफ एल ओवर जी, द सेम थिंग, देख लीजिए। सो इट इज केस ऑफ एंगुलर एसएचएम एंड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पॉइंट मास, क्लियर। नाउ आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। मान लीजिए लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम का जो थ्रेड है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज, आई से इट इज इनफाइनाइट। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट वुड बी द टाइम पीरियड, आपका आंसर नॉर्मली क्या आता है, इनफाइनाइट, दैट इज रॉन्ग। सो वी आर गोइंग टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ इज वेरी लार्ज। ओके, मान लीजिए इट इज अर्थ, अर्थ ऑफ रेडियस आर, सपोज करिए पेंडुलम की लेंथ बहुत बड़ी है, और ये मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा सा, लेंथ इज एल, लेंथ इज लार्ज, इट इज अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, और इसमें मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इधर थीटा से, और ये एंगल मैंने मान लिया फाई, ठीक है। ओके, फोर्स बताइए एम जी किधर लगेगा इस पर, आप ऐसे लगाओगे दैट इज रॉन्ग, एम जी विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, इधर आएगा एम जी, टेंशन इधर, एम जी इधर, ठीक है। ओके, नाउ ये जो एंगल आएगा बच्चों, दैट एंगल किसके इक्वल आएगा बताइए, फाइव प्लस थीटा, गुड, दैट इज थीटा प्लस फाइव, और एम जी इधर एक्ट कर रहा है, एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस फाइव, और कंपोनेंट इधर कितना आएगा,
that component is mg sin theta plus phi. और मान लीजिए ये बॉब इधर गया, x मान लेता हूँ ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस भी x. क्लियर? ओके, आर्क ऑफ द सर्कल भी x. क्लियर? इन दिस केस रिस्टोरिंग फोर्स इज दिस वन, ये कंपोनेंट है फोर्स का जो इसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस फाइव. तो रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए ध्यान से, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस फाइव. बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो साइन थीटा इज थीटा. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एम जी इंटू थीटा प्लस फाइव. क्लियर? ओके, नाउ आप देखिए ध्यान से बच्चों, ये आर कितना लिया है मैंने, एक्स, और इधर से थीटा निकालिए, थीटा की वैल्यू आएगी एक्स ओवर एल, एक्स ओवर एल. और यहां से देखिए फाई कितना आएगा, एक्स ओवर आर, फाई इज एक्स ओवर आर. क्लियर? तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आई, दैट इज इक्वल टू एम जी इंटू एक्स बाय एल प्लस एक्स बाय आर. नाउ रिस्टोरिंग फोर्स, देखो इसको वापस लाता है, एक्स अपोजिट में है, तो डायरेक्शन को भी अगर मैं इंक्लूड करूं इसमें, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी माइनस एम जी इंटू वन ओवर एल प्लस वन ओवर आर इंटू एक्स. सो कंपेयरिंग विद एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल माइनस के एक्स अगर मैं कंपेयर करूं इसे, इट इज क्लियरली लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो k की जगह देखिए क्या आया, सो k इक्वल टू, दैट इज फोर्स कॉन्स्टेंट इंटू वन ओवर एल प्लस वन ओवर आर. सो टाइम पीरियड विल बी टू पाई रूट ऑफ एम ओवर k, k की वैल्यू रख दीजिए, टू पाई रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई के, के की वैल्यू देखिए ध्यान से, एम जी वन ओवर एल प्लस वन ओवर आर, एम इज कैंसिल. सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ वन अपॉन जी वन ओवर एल प्लस वन ओवर आर. क्लियर? सो फॉर द लार्ज लेंथ इट इज टाइम पीरियड. मेरा क्वेश्चन क्या था आपसे, इफ एल इज वेरी वेरी लार्ज, एल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टाइम पीरियड इन्फिनिटी नहीं आएगा यहां पर. देखिए किस में कन्वर्ट हो गए, दैट विल कन्वर्ट इनटू वन अपॉन जी, यहां पर जीरो हो जाएगा, वन ओवर आर. सो दिस विल बी इक्वल टू टी इक्वल टू टू पाई रूट ऑफ आर ओवर जी, ये टाइम पीरियड आएगा फिक्स, टी इक्वल टू टू पाई रूट आर ओवर जी. क्लियर? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. मान लीजिए ये सिंपल पेंडुलम ए नॉट एक्सलेशन से ऊपर मूव कर रहा है, सपोज करिए इट इज इन लिफ्ट, लिफ्ट में है, ए नॉट से ऊपर जा रहा है, लेंथ ऑफ द थ्रेड भी एल, तो इसका टाइम पीरियड क्या आएगा, गैस करिए बच्चों. नो, दैट विल नॉट बी द करेक्ट आंसर. देखिए ध्यान से, अब इसमें
जो सिंपल पेंडुलम में मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था टी इक्वल टू 2π√ ऑफ एल ओवर जी, अब सभी केसेस के लिए आपको लिखना है टी इक्वल टू 2π√ एल ओवर जी इफेक्टिव लिखना है बच्चों। व्हाट इज जी इफेक्टिव? आपको जी इफेक्टिव लिखना है दैट इक्वल टू इसका वेक्टर जी वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इन विच द सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड। मतलब क्या हुआ? जी इफेक्टिव वेक्टर इज जी वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द बॉडी इन विच सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड। जैसे यहाँ लिफ्ट है, लिफ्ट किधर जा रही है? ऊपर। नेगेटिव किधर आएगा? नीचे। इसी को मैं अगर अप्लाई करूँ इसमें तो जी इफेक्टिव वेक्टर इक्वल टू जी वेक्टर किधर है बच्चों? डाउनवर्ड प्लस नेगेटिव ऑफ द एक्सलेशन, ये किधर है? ऊपर ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस ए वेक्टर माइनस ऑफ दिस डाउनवर्ड आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए नॉट डाउनवर्ड। ठीक है, नेगेटिव ऑफ द ए नॉट वेक्टर। सो क्लियरली जी इफेक्टिव किसके इक्वल आया? ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, दैट विल बी जी प्लस ए नॉट, दैट विल बी जी प्लस ए नॉट। क्लियर? ओके, तो टाइम पीरियड कितना हुआ फिर? टी इक्वल टू 2π√ ऑफ एल ओवर जी नॉट प्लस सॉरी जी प्लस ए नॉट, ये टाइम पीरियड आ जाएगा। एक केस में और भी ले सकता हूं इसमें, मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम किसी कार में रखा हुआ है एंड कार इज एक्सलेटेड दिस साइड बाय ए नॉट। ठीक है, इसमें पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन किधर होगी? ऐसे हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी। ओके, ए नॉट इसका एक्सलेशन, जी नीचे आएगा, नेगेटिव ऑफ दिस वन नेगेटिव ऑफ ए नॉट वेक्टर इसका इधर आ जाएगा। इनका रिजल्ट निकालना है, आप पैरेललोग्राम से निकाल सकते हो। इधर आएगा बच्चों जी इफेक्टिव, दैट विल बी जी इफेक्टिव। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? ए नॉट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जी। तो जी इफेक्टिव कितना हुआ? जी इफेक्टिव आएगा रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसमें? टाइम पीरियड विल बी टी इक्वल टू 2π√ ऑफ एल ओवर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस, कैलकुलेट करो बच्चों जरा इसे, जी स्क्वायर। करेक्ट, वेरी गुड। ये टाइम पीरियड हुआ व्हेन द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन द एक्सलेटेड कार, कार इज एक्सलेट दिस साइड। तो उसमें हमने क्या बताया? जी इफेक्टिव कैसे निकालते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। मान लीजिए ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इसके ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है। बॉक्स किस किस एक्सलेशन से आएगा बताइए? जी साइन थीटा। गुड,
इसका एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा। वेरी गुड बच्चों, इसके अंदर एक पेंडुलम है, यहां पर अटैच्ड है और यह ऑसिलेट करता है ऑफ लेंथ एल। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। अगेन द सेम प्रॉब्लम, जिसमें पेंडुलम रखा है दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड हियर, तो मेरे को जी इफेक्टिव निकालना है। इन दिस केस जी तो आएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, आपको पता ही है जी इफेक्टिव विल बी इक्वल टू जी वेक्टर प्लस माइनस ए नॉट वेक्टर। तो जिसमें बॉडी रखी है उसका एक्सेलरेशन का नेगेटिव और जी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। इसमें देखो ध्यान से, इसमें बॉडी किधर चली है, इधर, किससे, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन इधर और जी वेक्टर इधर है। इसका मतलब ये हुआ इधर लेना पड़ेगा जी साइन थीटा माइनस ए नॉट वेक्टर, इनका रिजल्टेंट निकालना है आपको। मान लीजिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके परपेंडिकुलर आ गया, आपको पता ही एंगल थीटा आता है, ऐसे देख सकते हो, दिस इज थीटा, 90 माइनस थीटा और ये थीटा हो जाएगा। क्लियर। अगर मैं जी को रिजॉल्व करूं इधर, तो जी का कंपोनेंट किधर आएगा, कितना आएगा बच्चों, इधर देखिए ध्यान से, जी कॉस थीटा, वेरी गुड, जी का कंपोनेंट जी कॉस थीटा आ गया इधर। इधर कितना आएगा कंपोनेंट, दैट इज जी साइन थीटा। ओके, अब हमें रिजल्टेंट किस किस का निकालना है, देखिए जी वेक्टर एंड ए नॉट वेक्टर का निकालना है। जी वेक्टर को मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में बाय रिजॉल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स, माइनस ए नॉट वेक्टर इधर आ गया। देखिए ध्यान से, ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, दिस टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये। इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन आएगा जी इफेक्टिव इक्वल टू जी कॉस थीटा, ऐसे आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ऑफ द पेंडुलम, ये होगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए प्लीज, और इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा इधर, एंड जी इफेक्टिव बिकम्स जी कॉस थीटा। क्लियर। नाउ टाइम पीरियड देखिए कितना आया, टी इक्वल टू टू पर रूट ऑफ एल ओवर जी कॉस थीटा। ये आएगा टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम प्लेस्ड इन द बॉक्स विच इज मूविंग ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। आपको पता ही है किस एक्सेलरेशन से आएगा, वो जी साइन थीटा से आएगा। तो उस समय टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम बिकम्स दिस वन। क्लियर। ओके, वेरी गुड। लेट अस टेक वन प्रॉब्लम। मान लीजिए ये पेंडुलम है मास इज, बॉब का मास इधर एम, इधर मैंने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया बाय स्मॉल एंगल, मान लीजिए इट इज अल्फा एंगल, लेंथ ऑफ द थ्रेड बी एल, इस साइड मान लीजिए एक प्लेन है, दिस प्लेन मेक्स एंगल बीटा। पहला केस लेता हूं, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। इस केस में टाइम पीरियड निकालिए इसका कितना आएगा, देखिए मोशन कैसे होगी, कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जितना एंगल इधर है उतना एंगल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इधर आएगा। ये इट विल नॉट स्ट्राइक द प्लेन, क्यों नहीं स्ट्राइक करेगा,
बिकॉज बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। समझ आ रहा बच्चों? गुड। ये जो पेंडुलम है यहीं से बिफोर स्ट्राइकिंग द प्लेन इट विल गो बैक। इसका टाइम पीरियड इस प्लेन पर डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड कितना है इस केस में? 2π√L/g। ध्यान रखें अल्फा इज वेरी स्मॉल हियर। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। बाय चांस ये अगर बीटा इज लेस देन अल्फा, सेकंड केस बीटा इज लेस देन अल्फा, देन इट विल स्ट्राइक द प्लेन। और मान लीजिए जब कोलाइड करता है दैट इज इलास्टिक कोलिजन, दैट इज इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सेकंड केस में आप सोच सकते हैं इस तरह से, ये इधर टकराता है, ओ पॉइंट, लेंथ इज एल, दिस एंगल इज अल्फा, दैट इज बीटा, दैट इज मेन पोजीशन हियर। तो मोशन किस तरह से आएगा? मान लीजिए यहां से छोड़ा इसको यहां तक, 1/4 ऑफ द मोशन। अगर प्लेन ना होता तो 1/4 होता। नाउ इट स्ट्राइक्स टू द प्लेन, गो बैक टू द सेम वेलोसिटी, और फिर ये इधर मूव करेगा। ओके, मान लीजिए ये पॉइंट ए, ए पॉइंट बी, और ये पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है। मोशन किस तरह से होगी? मान लीजिए ए टू बी, देन बी टू सी, सी पॉइंट ये रहा, देन सी टू बी, देन बी टू ए। क्लियर? ओके, ए टू बी, बी टू ए जो टाइम आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय द बॉडी व्हेन देयर इज नो प्लेन। उसमें जो टाइम पीरियड आता है कैपिटल टी, अगर हम प्लेन ना लें, ए टू बी टाइम वही लगेगा, प्लेन से कोई कनेक्शन नहीं इसका। ए टू बी टाइम एक्सट्रीम पोजिशन टू मेन पोजिशन टाइम, फिर वापस आते वक्त मेन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्लेन। ओके, प्लेन ने तो ये टाइम शॉर्ट कर दिया बस। क्लियर? सो टाइम ए टू बी प्लस टाइम बी टू ए कितना आएगा? टी बाई टू, टी जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का टाइम होता है उसका हाफ, दैट इज इक्वल टू π√L/g। क्लियर? ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस टाइम। मेन पोजीशन से बीटा एंगल, आप इधर भी ले सकते हो बीटा एंगल, इधर भी ले सकते हो, सेम इट विल टेक सेम टाइम, चाहे बॉडी इधर आए चाहे इधर आए। तो मैं ऐसे निकाल लेता हूं, मान लीजिए दिस एंगल इज बीटा। ओके, और इसका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा अल्फा, दैट एंगल इज अल्फा। क्लियर? मेन पोजिशन से यहां तक का टाइम निकालना है मेरे को जैसे, तो मैं इसमें इक्वेशन लगाऊंगा, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, थीटा टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। जैसे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने लिया था जनरल इक्वेशन, ऐसे यहां भी मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा, थीटा इक्वल टू
theta equal to theta naught sine omega t. Because at t equal to 0 it is at mean position. ये इसकी mean position है. That is mean position. Clear? Okay. यहां पर theta क्या हो जाएगा? Theta की value displacement कितना है? Beta. Good. Theta naught amplitude कितना हो जाएगा बच्चों? Alpha. That is sin omega t. So sin omega t equal to beta over alpha. T will be 1 over omega sin inverse beta over alpha. Okay. So time b to c ये आएगा and c to b भी same आएगा इसका double. So 2t will be equal to 2 over omega sin inverse beta over alpha. अब आप बताइए यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? ओमेगा जो पेंडुलम मोशन करता विदाउट एनी इंटरफ्रेंस अंडर ग्रेविटी, ये आती उसकी वैल्यू. तो t इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा यहां से निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए. सो क्लियरली ओमेगा इज रूट जी ओवर एल. ठीक है, ओके. इसमें वैल्यू रख सकते हैं आप, दैट विल बी 2 डिवाइड बाय ओमेगा रूट जी, ऊपर आ जाएगा रूट एल इनटू साइन इनवर्स बीटा ओवर अल्फा. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैंने लिया था बीटा इज लेस देन अल्फा, इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा? टाइम टेकन ए टू बी, देन बी टू सी, देन सी टू बी, देन बी टू ए. तो ये टाइम पीरियड आएगा बच्चों, दैट टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू टी बाई टू प्लस टू टी, टी डैश मान लेता हूं मैं इसको. सो टी डैश इक्वल टू टी बाई टू, टी बाई टू आपने निकाला पाई रूट एल ओवर जी, पाई रूट एल ओवर जी प्लस टू इंटू टी. देखिए ध्यान से, टू रूट ऑफ एल बाई जी इंटू साइन इनवर्स बीटा ओवर अल्फा. तो देखिए बच्चों ध्यान से, टी डैश विल बी इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से पाई रूट ऑफ एल बाई जी इज कॉमन, पाई इज नॉट कॉमन ये रूट एल बाई जी, तो दैट इज पाई प्लस टू साइन इनवर्स बीटा ओवर अल्फा. दैट विल बी टाइम टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन, जिसमें एक साइड में मैंने प्लेन रख दिया विच रेस्ट्रिक्ट द मोशन एंड कोलिजन मैंने मान ली इलास्टिक कोलिजन. तो ये आएगा बच्चों टाइम पीरियड. क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू.